मालदा टाउन से खुलने के बाद भागलपुर जमालपुर क्यूल पटना के रास्ते चलने वाली मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन दोबारा से होगा सामान्य। और यह ट्रेन दोबारा से सामान्य रूप से कब से चलेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो अपडेट में। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। आपको बता दें कि मालदा टाउन से ओल्ड दिल्ली के बीच यह ट्रेन 13483 के साथ चलती है। 1465 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन तय करती है, जहाँ की यह ट्रेन मालदा टाउन से 7:15 पर शाम में खुलती है। खुलने के बाद यह ट्रेन न्यू फरक्का जंक्शन, बढ़ावा जंक्शन, तीन पहाड़, साहेबगंज, पीरपैती, कहलगांव, सबौर, भागलपुर और भागलपुर से खुलने के बाद यह ट्रेन सुल्तानगंज जमालपुर के रास्ते पटना होते हुए चलती है। ऐसे में इस ट्रेन के सामान्य परिचालन को लेकर के अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार इस ट्रेन को सामान्य रूप से दोबारा चलाया जाएगा और 26 फरवरी से यह ट्रेन सामान्य परिचालन के साथ चलेगी। इसके अलावा दूसरी दिशा में ट्रेन नंबर 03413 फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन 1 मार्च से दूसरे तरफ से नियमित चलाई जाएगी। आपको बता दें कि फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन की 4 ऐसी रेखाएं जिनका परिचालन अलग अलग दिनों में देखने को मिलता है। ऐसे में सामान्य परिचालन दोबारा शुरू हो जाने से पैसेंजरों को दिल्ली जाने के लिए बिहार के रास्ते इस ट्रेन का सुविधा मिल पाएगा। तो ऐसे में अगर आप इस ट्रेन से सफर करते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस ट्रेन के सप्ताह के 7 दिन बुकिंग शुरू होने के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, और साथ ही इस वीडियो को करें आगे शेयर आने वाली नई ट्रेनों की जानकारी के लिए।